अविनाश भाई के चैनल पे 5.5 लाख सब्सक्राइबर है, फिर भी अविनाश भाई ने ये गलतियां की है। दोस्तों, आप लोगों में से काफी सारे लोगों को यही नहीं पता है कि अगर आप लोग अपने YouTube चैनल के लिए कोई नाम सोच रहे हो, अगर आप लोग बिना रिसर्च करे अपने चैनल का नाम वो रख देते हो, आप लोगों को आज नहीं तो आने वाले टाइम पे आपके चैनल पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को गूगल ट्रिक्स नाम चैनल के बारे में पता होगा, वो पता होगा अविनाश भाई जो अपने चैनल पे गूगल ट्रिक्स नाम चैनल था, उनपे ये अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किया करते थे, पर आज की डेट पे उनके चैनल पूरी तरीके से हटा दिया गया है। उनके चैनल पे ना ही कोई फ्रॉड एप्लीकेशन का प्रमोशन हो रहा था, ना ही उनके चैनल पे स्ट्राइक आया था, सिर्फ उनके चैनल के नाम को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। और प्रॉब्लम क्या आया था, उन्होंने गूगल की कंपनी का नाम यूज कर लिया था, जिससे उनके चैनल पे लीगल एक्शन लिया गया, उनके पास लीगल नोटिस भेजा गया है, जिससे उनको अपने चैनल का नाम चेंज करके इनकम टैक्स रखना पड़ा। तो आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, आप लोग जब भी अपने चैनल का सोच रहे हो तो उनसे बातों का ध्यान रखना, आप लोग यूज नहीं कर सकते हो, जिससे आने वाले टाइम पे आपके चैनल पे इफेक्ट आए। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम सोच रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है, वो किसी का ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कि लाइक अगर आप लोग रिलायंस के नाम से अगर आप लोग चैनल बना रहे हो तो आप लोगों को पता होगा रिलायंस एक ट्रेडमार्क है, किसी के नाम से रजिस्टर्ड ओनर भी है उसका। तो आप लोग जो है रिलायंस नाम से कोई भी चैनल आप लोग नहीं ओपन कर सकते हो। अगर आप लोगों ने रिलायंस नाम से यूट्यूब चैनल ओपन कर दिया है या कोई भी आप लोगों ने वेबसाइट ओपन किया तो आप लोगों को रिलायंस की तरफ से नोटिस आप लोगों को दे सकता है और आपके घर पे भी लीगल एक नोटिस आएगा। तो कुछ इसी तरीके से अविनाश भाई ने भी अपने YouTube चैनल का जो Google ट्रिक्स नाम से YouTube चैनल बनाया हुआ था, तो Google डायरेक्ट अविनाश भाई को जो है लीगल नोटिस भेजा है। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इस नोटिस पे यही लिखा है, आपने जित भी अकाउंट बनाया है लाइक Facebook, Instagram, Twitter, जितने भी अकाउंट्स बनाए ये भी Google के नाम से, तो आपको सबको डिलीट, टर्मिनेट सब कुछ कर देना पड़ेगा। अविनाश भाई इस प्रॉब्लम से किस तरीके से बाहर निकले, अविनाश भाई ने जिसने उनको लीगल नोटिस भेजा था उनपे जीमेल से कॉन्टेक्ट हुआ, जीमेल पे बात किया, भाई इससे आपको अपने चैनल को डिलीट करने की जरूरत नहीं, पर आपने जहां जहां गूगल के नाम को यूज किया है आप उस गूगल को हटा के कुछ और नाम दीजिए। अविनाश भाई ने कुछ इसी तरीके से गूगल ट्रिक्स को हटा के इनकम ट्रिक्स कर दिया, जिससे उनका चैनल फिर से बच गया है। अगर आप लोग गूगल ट्रिक्स सर्च करते हो तो नहीं मिलेगा, आप लोगों को इनकम ट्रिक्स सर्च करोगे तो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, अगर आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल का नाम सोच रहे हो तो सबसे पहले ये देखिए कि वो किसी का ट्रेडमार्क ना हो। अगर ट्रेडमार्क होगा तो आज नहीं तो आने वाले टाइम पे आपको जो है अपने चैनल को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। आप लोग इस छोटी सी बात को ध्यान पे रखना, किसी का ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था और आप तक ये वीडियो जा रही है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने ये गलती की है या आप लोग भी कुछ इसी तरीके से नाम सोच रहे थे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।